नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माईसैनी। दोस्तों कि आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी चरक संहिता। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि संसाधनों के अभाव की वजह से मैं इस तरीके से कॉपी पे वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेरे जो सामान थे YouTube कार्य करने के वो लॉकडाउन में मेरे रूम पर रह चुके हैं और मैं इस समय गाँव पर हूँ। तो इसलिए जैसा वीडियो बन रहा है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना, और थोड़ा पीछे से बैकग्राउंड आवाज़ भी आई क्योंकि गाँव का माहौल है तो आवाज़ तो आनी है ही। तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी चरक संहिता। सबसे पहले काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे, मैसेज आ रहे हैं कि सर चरक संहिता हम पहली बार देख रहे हैं, स्टडी नहीं हो पा रही, हमको देख के डर लगता है, इतनी बड़ी बुक है कैसे स्टडी करेंगे, कुछ शॉर्ट बुक्स बताओ, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताओ कि जिस तरीके से अच्छी स्टडी हो जाए और चरक संहिता क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहला पॉइंट बुक, ये नोट्स बनाए कि बुक से स्टडी करें, नोट्स या बुक्स। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, जो बुक है ना, जो मेन बुक है, जैसे कि आप किस राइटर की बुक पढ़ना चाहोगे, इसी तरीके से आपके सामने ये बुक है कि चरक संहिता। ठीक है, तो इस बुक से जो मेन बुक है, बड़ी बुक है, विस्तृत वर्णन है जिस बुक में, तो उस बुक से आप स्टडी कीजिए। कोई शॉर्ट चरक, कोई शॉर्ट्स के लिए मत भागिए, क्योंकि चरक संहिता आयुर्वेद का वेश है, काय चिकित्सा में प्रधान है। तो और अगर आपने चरक संहिता सही ढंग से नहीं स्टडी की तो आप आयुर्वेद में वैद्य नहीं बन पाओगे। आप ओनली पास हो जाओगे सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, लेकिन एक अच्छे चिकित्सक नहीं बन पाओगे। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि शॉर्ट बुक्स में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन लास्ट में एग्जाम के टाइम, अभी आपके पास पूरा ईयर है, पूरे साल है, छुट्टियाँ का मजा है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि बुक से स्टडी कीजिए। जो डिटेल में बुक है जिसमें वर्णन है पूरा सही ढंग से, हिंदी, चाहे हिंदी में स्टडी करो चाहे इंग्लिश में, जैसी भी आपकी लैंग्वेज है उसमें, तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा बुक से स्टडी कीजिए। ठीक है, तो नोट्स कैंसिल, बुक से स्टडी कीजिए। नोट्स मत बनाइए चरक संहिता के, कभी नोट्स बनाने मत बैठना, क्योंकि चरक संहिता के जो ये बुक है आपके सामने, इसमें क्या बात बताऊँ आपको कि इतने बड़े बड़े कोटेशन है कि आप कोटेशन लिखोगे तो हिंदी नहीं लिख पाओगे, हिंदी लिखोगे तो कोटेशन नहीं लिख पाओगे। तो इतनी बड़ी बुक का आप नोट्स बना सकते हो क्या? कभी, इम्पॉसिबल, बना ही नहीं सकते। तो इसे नोट्स मत बनाइए। नोट्स किसके बनाने? इंपॉर्टेंट स्लोक से। अब इंपॉर्टेंट स्लोक्स के कैसे पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट स्लोक है, ये कैसे इसको लिखना? तो इंपॉर्टेंट स्लोक जैसे आपको कैसे करना है, इंपॉर्टेंट स्लोक नोट बनाने के लिए अध्याय प्रथम, जैसे रसायन के गुण, ये चिकित्सा की बात कर रहा हूँ मैं, रसायन के गुण दो पार्ट है, थर्ड ईयर और सेकेंड में चरक संहिता का भी, ये सेकेंड वाली है मेरे पास इस समय, क्योंकि गाँव में सेकेंड वाली लेके आया था, फर्स्ट वाली मैं वहीं पर रह गई, इसलिए मैं इससे बता रहा हूँ रसायन गुण। तो इसका जो श्लोक है वो लिखना आपको अध्याय एक में, इंपॉर्टेंट लगा आपको, फिर दो, इस तरीके से एक अध्याय में 10 या 15 इंपॉर्टेंट कोटेशन होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से, जो PG की दृष्टि से, जो चिकित्सा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, इस तरीके से अध्याय टू, ओनली इनके क्या लिखना है, श्लोक, श्लोक जो आपको बार बार याद करना, क्योंकि लाइफ टाइम याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट श्लोक्स आप बुक से स्टडी कीजिए। नोट्स मत बनाइए किसके नोट बनाने हैं? इंपॉर्टेंट श्लोक के नोट्स बनाने। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तीन नंबर पे यह कि अब स्टडी कैसे करें। ये तो बात हो गई कि भाई बुक से स्टडी करनी है, नोट्स नहीं बनाना है, इंपॉर्टेंट्स के नोट्स बनाने, तो स्टडी कैसे करना है। अब इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ आराम से, ये पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बड़े आराम से समझना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक टारगेट रहता है कि पहले अपन पास हो जाएं। अपन क्या कि अभी सेकंड ईयर में, अगर सेकंड ईयर में पास नहीं होंगे थर्ड ईयर में नहीं जा पाएंगे, थर्ड ईयर में पास नहीं होंगे तो फाइनल ईयर में नहीं जा पाएंगे, और फाइनल ईयर में पास नहीं होंगे तो वैद्य नहीं बन पाएंगे। तो अपना टारगेट क्या है पहले कि सेकंड ईयर में पास होना, फिर आपको लगे कि पास हो जा रहे होने लगे तो आपको क्या है कि हाँ यार 75% बननी चाहिए, फिर 75%+ का अगर इतना हो रहा है आपके यहाँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे, फिर क्लास टॉपर के बाद में यूनिवर्सिटी टॉपर, इस तरह की मैंने स्टेज बना रखी है। पहले आपको लगना चाहिए कि पास। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो चरक से एग्जाम फेल हो जाऊँगा, पास ही नहीं हो पाऊंगा। अरे ऐसे कैसे फेल हो जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना ऐसे पास होना। तो अपना पहले पास पे, फिर 75 पे, फिर क्लास टॉपर, फिर यूनिवर्सिटी टॉपर। तो इस क्रम में आपको स्टडी करनी है। तो इसका क्रम का क्या स्टडी रहेगा, क्या तरीका रहेगा, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो बड़े आराम से, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान मत देना, क्योंकि गांव में वीडियो बना रहा हूँ, संसाधन की कमी है। सभी के पास चरक संहिता है बड़ी वाली, ठीक है। तो सब में चरक संहिता विषय सूची, तो ये चिकित्सा स्थान है, जैसे आपको सूत्र स्थान होगा, जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट है सूत्र स्थान, थर्ड ईयर वालों को तो पता ही होगा कि कैसे स्टडी करनी है चरक संहिता, क्योंकि उन्होंने सेकंड ईयर में स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं उनको जो सूत्र स्थान है उनके सामने इस तरह का आपके सामने
चरक संहिता विषय सूची। तो आप कितने अध्याय हैं, कितने क्या है, कितने चैप्टर हैं, किस स्थान में, सब आपको यहाँ विषय सूची में मिल जाएगा। मैं आपको आगे नहीं बढ़ूंगा, विषय सूची में ही आपको कंप्लीट कराऊंगा कि विषय सूची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप प्रथम अध्याय, ठीक है, तो आपको स्टडी कैसे करनी है, प्रथम अध्याय में क्या है, चैप्टर का नाम याद कर लो, ठीक है। तरीका बता रहा हूँ आपको स्टडी करने का, चरक संहिता प्रथम अध्याय का नाम याद हो गया, कौन से स्थान में, चिकित्सा स्थान में प्रथम अध्याय। पहले डिसाइड करो कि चिकित्सा स्थान में मतलब जो भी आपका सूत्र स्थान में कितने चैप्टर हैं, तो 30 चैप्टर हैं, ठीक है, 30 चैप्टर। अब बात करते हैं, 30 चैप्टर हो गए सूत्र स्थान में, तो प्रथम अध्याय का नाम क्या है, तो चैप्टरों के नाम आपको कंटस्ट होने चाहिए, 300 के 300। एक काम हो गया नाम, फिर प्रथम चैप्टर में आ जाओ। प्रथम चैप्टर में क्या है कि वेसज के पर्याय, नहीं शुरुआत में भेषज प्रकरण, ये चिकित्सा आ जाएगा या सूत्र स्थान, जैसे भी आपको यहाँ लिखा होगा, भेषज प्रकरण, भेषज के पर्याय, अपन को अब एक आइडिया मिलता है कि अपन को क्या क्या स्टडी करना है इस चैप्टर में। भेषज के पर्याय, भेषज के दो प्रकार, भेषज के दो प्रकार, रसायन वाजीकरण, रसायन के गुण, वाजीकरण की परिभाषा, ये आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। भेषज के प्रकरण खोलिए किताब को, ठीक है, चरक संहिता प्रथम अध्याय। अब आपको ये इतना सब कुछ स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, भेषज प्रकरण मैं आपको बता रहा हूँ एक शॉर्ट और सिंपल तरीका, फिर आप हम डिटेल में बताएंगे, मैंने जैसे बताएंगे अभी तो पास होने के लिए स्टडी कर रहे हैं। भेषज के पर्याय कितने पेज नंबर पे है, 2 पेज नंबर पे। भेषज प्रकरण, ठीक है, भेषज के दो प्रकार, भेषज के दो प्रकार, 3 नंबर पेज पे। तो आपको ये याद रखना चाहिए, यहाँ से भेषज के दो प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, वह भेषज दो प्रकार का, स्वस्थ पुरुष के उत्तम भाव को बढ़ाने वाला और रोगाग्रस्त व्यक्ति को दूर करने वाला। क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको एक एक पॉइंट पे आपको आगे क्लियर करते जाना है, ठीक है, इस तरीके से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अपन क्या स्टडी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और हिंदी में स्टडी कीजिए, फर्स्ट बार में आप हिंदी में स्टडी कीजिए, आप यहाँ पे ये याद करोगे ना, भेषजम द्विविधम चैतत्वम, यहीं पे फंस जाओगे क्योंकि याद ही नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको ओनली पास होने का तरीका बता रहा हूँ, आगे हम बात करेंगे क्लास टॉपर कैसे बनते हैं, 75+ कैसे बनते हैं। अपन ने जैसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया, जैसे भेषज की प्रक्रिया, भेषज के दो प्रकार, क्वेश्चन अपन ने हिंदी स्टडी की, ऐसे एक हाथ में ऐसे रखा, स्टडी करते गए, भेषज के दो प्रकार हो गए, भेषज के दो प्रकार हो गए, रसायन वाजीकरण क्या है, रसायन के गुण हो गए, इस तरीके से अपन ने याद किया। प्रत्येक चैप्टर के टारगेट बनाओ कि अपन को एक चैप्टर एक दिन में कर लाए कि आधा चैप्टर या 1/4 हिस्सा आपको करना है, हो गया। फिर अपन वापस बंद कर देते किताब को, यहाँ आ जाते हैं। अपन ने हिंदी पढ़ ली सबकी, श्लोक मैंने एक का भी नहीं बताया अभी, भेषज की प्रिया, आपको मन में सोचो कि मैंने क्या भेषज की क्या प्रिया याद किए थे, अगर आपको याद आता है तो अच्छी बात है, नहीं दोबारा देख लो तुरंत। भेषज के दो प्रकार कौन कौन से थे, मन में मनन करो, याद आता तो ठीक है आगे बढ़ो। इस तरीके से जितना आपने स्टडी किया आज के दिन, चलो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टडी किया, ठीक है, आज एक दिन में, तो इसमें से कितने पॉइंट आपके क्लियर हुए, ये बात हुई। अब पॉइंट क्लियर होने के बाद में एक बार दोबारा रीडिंग कर लो हिंदी हिंदी। इस तरीके से अपन को प्रत्येक चैप्टर की हिंदी करनी है, मतलब हिंदी में स्टडी करनी है प्रत्येक चैप्टर की, ओके। हिंदी में स्टडी करने के बाद में अब अपन को लगता है कि हाँ यार ये आइडिया हो गया, इनमें से कम से कम 75% अपन को हिंदी में याद हो गया कि कोई सी भी आप चरक संहिता, सूत्र स्थान हो, चिकित्सा स्थान हो, कोई सा भी स्थान हो, इस तरीके से स्टडी करना है। अब आपको लगे एग्जाम की दृष्टि से आपके, अब क्योंकि आपने एक बार पूरा कर लिया ऐसे हिंदी में, अब आपको लगता है कि तो मेरे को श्लोक एक भी याद नहीं, और क्वेश्चन तो श्लोक से आते हैं। अब आते हैं अपन पहले पास होने वाला, क्योंकि आप कैसे क्वेश्चन अगर आप हिंदी में लिखोगे तो पास हो जाओगे। अब पास हो चुके हो, पास होने के बाद में आ जाते हैं इंपॉर्टेंट श्लोक्स, जो मैंने आपको बताया था ना कि इंपॉर्टेंट श्लोक्स के वो बनाइए जो आपको याद करने हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से पिछले 1-2 साल के पेपर देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, और अपने टीचरों के अपने सीनियरों की मदद से बताइए कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। और आप जब स्टडी करोगे बार बार तो आपको भी अनुभव हो जाएगा, जैसे मैं वाजीकरण की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, रसायन के गुण इंपॉर्टेंट है, इसके ऐसे स्टार मार्क लगा के आपको इनके कोटेशन याद करना, क्योंकि आपने हिंदी सब कुछ स्टडी कर लिया, हिंदी में आपको सब आता है। अब आता है कोटेशन की बात, कोटेशन सब याद नहीं हो सकते क्योंकि कोटेशन 10-10 लाइन के 15-15 लाइन के हैं, तो अपन को इंपॉर्टेंट कोटेशन सेलेक्ट करने, ओके। इस तरीके से प्रत्येक चैप्टर में प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय में आपको याद करने। अब दो काम हो गए, आपने हिंदी सब पढ़ ली, हिंदी आपने 100% स्टडी की,
श्लोक में इम्पोर्टेंट लगा है, आप पास हो गए हैं हिंदी पढ़ने के बाद में, यहाँ आ गए आप टॉपर, मतलब 75+, अब आ जाता है क्लास टॉपर और यूनिवर्सिटी टॉपर, यहाँ कैसे बने। अब आपको प्रत्येक चैप्टर की शुरुआत से यहीं से देखो, जैसे पहला एकदम कहते हैं बेसक रसायन आयोजन प्रथम अध्याय, दो बार हो गई आपकी चरक संहिता, आपने पहले हिंदी में स्टडी किया, फिर इम्पोर्टेंट कोटेशन इम्पोर्टेंट श्लोक के लिए कोटेशन किया और आपने उनको लिख लिए। ये तो आपको सुबह उठते ही डेली रिवाइज करना है डेली के डेली, क्योंकि श्लोक एक बार में याद नहीं होता, बार बार रिविजन करना होता है। फिर आपको दो हो गया, मोटा मोटा आइडिया हो गया कि इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये, अपन ने ये स्टडी किया, इसका मतलब ये है। तो सब कुछ करने के बाद में यहाँ से स्टार्ट कीजिए दोबारा से, और आपको विमर्श, जो ये विमर्श है ना, यहाँ पे फोकस डालना है। इसको स्टडी किया, इसका हिंदी अनुवाद नीचे दे रखा है, फिर विमर्श को आपको एक बार देखना है, तीसरी बार में विमर्श देखना है। आप पहली बार में खोल के बैठोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए तीसरी बार में जब क्लास टॉपर या यूनिवर्सिटी टॉपर की बात आती है ना, तब जाकर आपको विमर्श देखना है। अब विमर्श में क्या है कि बार बार अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग आचार्यों के, जैसे सारंगर ने क्या क्या, आचार्य सुश्रुत ने क्या, ये भी बताएंगे, तो उनको बीच में से इष्टा आयुर्वेद शास्त्र का इतना प्रयोजन सुश्रुत ने, इस प्रकार सुश्रुत का आ गया देखो बीच में, तो सुश्रुत ने यह बताया, तो अलग अलग को विमर्श में काफ़ी बातें होती है, तो विमर्श को आपको समझना है। तीसरा पॉइंट है जब आप क्लास टॉपर और यूनिवर्सिटी टॉपर की श्रेणी में आओगे, ठीक है, तीन हो गए। अब उसके बाद में, अब जैसा कि आपको पता है कि आप पास हो चुके हो एक बार पूरे स्टडी करके हिंदी, ठीक है, दूसरे में आपने इम्पोर्टेंट श्लोक याद किए तब आपके पर नंबर बढ़े 75 पे, तीसरे में आपने विमर्श स्टडी किया तब आप क्लास टॉपर और यूनिवर्सिटी टॉपर के मैच, क्योंकि आप तार्किक बुद्धि अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगे हो कि हाँ इसने ये बोला, चरक ने ये बोला, सुश्रुत ने ये बोला, तो आप इसका मतलब मेल जोल एक अच्छी तरीके से। अब आता है कि पूरी तरीके से निष्कर्ष, अच्छे चिकित्सक और वैद्य, इस तरीके से चार लेवल पर स्टडी की जाती है सुश्रुत संहिता की, चरक संहिता की, जो भी आप जो बड़े ग्रंथ हैं उनकी, क्योंकि जो ये सारांश है ना, यहाँ पे जो विमर्श है, विषय सूची है, इंडेक्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडेक्स को कोई देखते नहीं है। आप यहाँ से स्टडी करोगे बेसज के दो प्रकार, हाँ हाँ हाँ, कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब एक तरीके से रामायण चलेगी, लेकिन यहाँ से आप एक एक पॉइंट क्लियर करके चलोगे ना। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं कि बेसज के पर्याय लिखो, रसायन बाजीकरण का वर्णन करो, कुटी में प्रवेश करने की विधि लिखो, च्यवनप्राश निर्माण विधि लिखो, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, दो दो नंबर के, पांच पांच नंबर, दस दस नंबर के। पास तो आप हो ही जाओगे हिंदी में स्टडी करके, आप क्लास टॉपर की श्रेणी में आ जाओगे श्लोक याद करके, इंपॉर्टेंट प्रीवियस से एग्जाम की दृष्टि से, अपने सेल्फ विवेक से इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट लगा के याद करके, ठीक है, विमर्श को याद करोगे और श्लोक को पढ़ोगे और हिंदी पढ़ोगे तीनों एक साथ, जैसे ये श्लोक है इसको स्टडी किया, फिर इसका ये और विमर्श, तो आप क्लास टॉपर यूनिवर्सिटी टॉपर की श्रेणी में आ जाओगे। अब आता है अच्छे चिकित्सक और वैद्य बनने के लिए, आपको बड़े माइंड से, अपने तरीके से, अपने विवेक से कंपेरिजन करना है कि आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान में क्या बोला, निदान स्थान में क्या बोला। आपको एक तरीके से क्लियर माइंड सेट के साथ एक स्टडी लेवल पे, ये आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए कौन से चैप्टर में क्या है, कौन से चैप्टर में कितने पॉइंट बने हुए हैं, जैसे चतुर्थ चैप्टर का नाम क्या है, कौन से स्थान में आता है, कौन से में से क्या स्टडी करेंगे, कितने डिटेल में, सब कुछ आपको एक पहले तो थोड़ा बेसिक ही नॉलेज होनी चाहिए, फिर डिटेल में होनी चाहिए। अब जैसा कि आप सभी को पता है तीन स्टेप हो गई, चतुर्थ स्टेप है, चतुर्थ स्टेप के लिए आप क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चरक संहिता चिकित्सा स्थान प्रथम अध्याय, ये आपको पहले में याद करना है, तो प्रथम पाद, तो इसका हिंदी अनुवाद करने की सोचनी है, बिगर इसको देखे हुए, बिगर हिंदी पढ़े हुए अर्थात, तो इसका अब यहाँ आपको, क्योंकि आप वो लेवल पे पहुँच चुके हो क्योंकि आपने हिंदी पहले, सबसे पहले हिंदी देखी, फिर संस्कृत देखी, फिर आपने विमर्श तीनों देखा, फिर आप अपने तीनों लेवल पार करने के बाद में चतुर्थ लेवल पर आते हो, तो आपको इसका हिंदी अनुवाद बिना देखे करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपने इस तरीके से चरक संहिता स्टडी की, अगर आपने एक स्टेप भी क्लियर कर ली ना, शुरुआत की हिंदी में सबको यहाँ से देख देख के क्लियर कर ली, फिर मनन किया। अब बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि हम तो पहले श्लोक याद करेंगे, वो श्लोक याद करने बैठ जाते हैं बेसल के पर्याय के, दो दिन में उसको इतना सा टॉपिक क्लियर होता है, क्योंकि श्लोक तो उन्होंने याद कर लिए पाँच, लेकिन क्लियर कितना हुआ, इतना सा। और चरक संहिता है कितनी बड़ी है,
पढ़ने की जान रहे हो आप, और उनको श्लोक को फिर 5 दिन बाद में भूल जाएंगे, तो स्टडी की या ना कि बराबर हो गया। तो पहले क्या है, हिंदी में स्टडी कीजिए सब कुछ, तो एक आइडिया तो आएगा कि अपन को ये स्टडी किया अपन ने, समझ रहे हो ना मेरी बात। स्टडी करने के बाद में हाँ मुझे आइडिया हो गया, मुझे इतना लिख सकता हूँ मैं, 50-60% नंबर ला के आ सकता हूँ। उसके बाद में श्लोक याद कीजिए, श्लोक याद हो गए उसके बाद में श्लोक को स्टडी कीजिए, फिर हिंदी पढ़िए और विमर्श पढ़िए, तीनों एक साथ। चतुर्थ में आपको इसको संस्कृत पढ़नी है और आपका हिंदी अनुवाद करने की खुद को कोशिश करनी है। इस तरीके से 4 तरीकों से चरक संहिता स्टडी की जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो की क्वालिटी के लिए सॉरी, क्योंकि मैं गाँव में हूँ अभी और पीछे वो जो बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है उसके लिए भी सॉरी, धन्यवाद।